हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने आपके लिए क्रिएट किया है दिस वेरी क्लासिक मोनोक्रोमैटिक लुक। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि मैंने कैसे लुक अचीव किया है, स्टे ट्यून्ड। एंड उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। थैंक यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, आई ऑलरेडी डन माई बेस मेकअप एंड आई एम स्टार्टिंग विद माई आईज। मैं ये ब्राउन शेड ले रही हूँ एंड इसे मैं क्रीज पर डिफाइन करूंगी एज अ ट्रांजिशन शेड। ये आई शेडो पैलेट मैंने कफ्स एंड लैशेस से परचेज किया है एंड दीज आई शेडोज आर वेरी वेरी पिगमेंटेड। एंड अगर आप बजट में कुछ अच्छा आई शेडो पैलेट ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। सो गाइज, आई शेडो को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैंने कुछ इस तरह का ब्रश लिया है। इससे मैं ये डार्क ब्राउन शेड ले रही हूँ एंड अपनी आईज पे प्लेस करूंगी। इसे मैं आउटर आई एरिया में एक वी की शेप में प्लेस करूंगी एंड एक्सटेंड करूंगी अपनी क्रीज तक। मैं ब्रश से आई शेडो को ब्लेंड नहीं कर रही हूँ, जस्ट प्लेस कर रही हूँ अपनी आई लिड्स पे। गाइज, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है मेकअप से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। नाउ मैं ये ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ, ये काफ़ी डेंस एंड फ्लफी है। इससे जो मैंने अभी ब्राउन आई शेडो को प्लेस किया है अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, डिफ्यूज़ कर लूँगी ताकि कोई हार्श लाइन्स ना रहें। अभी मैंने ब्लैक आई शेडो लिया है, मैं इसे स्लांटेड यानी तिरछा प्लेस कर रही हूँ, बिल्कुल एक विंग्ड आई लाइनर की शेप में, बट बिल्कुल आउटर थर्ड आई लिड पर ही प्लेस कर रही हूँ लैशेज के साथ साथ। मैं कोई आईलाइनर यूज़ नहीं कर रही हूँ। एक्चुअली दिस इज़ अ ट्रिक। ऐसा करने से ब्लैक आई शेडो को इस तरह से प्लेस करने से आईज को एक स्मोकी आई इफेक्ट मिलता है। नाउ मैंने एक क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश लिया है एंड मैं आई शेडोज को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ एंड स्पेशली एट द क्रीज एरिया ताकि हार्श लाइन्स ना रहें, आई शेडोज बिल्कुल डिफ्यूज लगें। नाउ आई शेडोज को ब्लेंड करने के बाद मैंने लिया है ये वाइट कलर का आई शेडो। इसमें बहुत ही हल्के से ग्लिटर पार्टिकल्स हैं। इसे मैंने फ्लैट ब्रश की हेल्प से अपनी आई लिड पर लगा रही हूँ, ऑन दी वन थर्ड ऑफ द आई लिड। एंड इस आई शेडो में थोड़ा सा फॉल आउट हुआ था, बट दैट इज नॉर्मल। अदरवाइज ये आई शेडोज बहुत ही पिगमेंटेड है। एज आई सेड, अगर आप कम बजट में अच्छी आई शेडोज ढूंढ रहे हैं तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएंगी। नेक्स्ट मैं डार्क ब्राउन आई शेडो ले रही हूँ, इससे मैं अपनी लोअर लैश लाइन पर लगाऊंगी एंड इसमें मैंने बहुत ही हल्का सा ब्लैक शेड भी मिक्स किया था ताकि लोअर लैश लाइन थोड़ी स्मोकी दिखे। नाउ मैंने 20 समथिंग का ही सेकेंड पैलेट लिया है एंड इसमें से हाईलाइटिंग शेड मैं यूज़ कर रही हूँ अपने इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करने के लिए। एंड इसी शेड को मैं अपने सेंटर ऑफ द आईलिड्स पर लगा रही हूँ, बहुत ही हल्का हल्का सा मैंने लिया है। गाइज, इस पैलेट में आपको 3 से 4 आई शेडोज मिलती हैं, एक ब्लश, एक हाइलाइटर एंड कॉन्टूर शेप भी मिलता है। दैट मींस आप इसी पैलेट से पूरे फेस का मेकअप भी कर सकते हैं। आई होप आप देख पा रहे हैं कितना ही ज़्यादा पिगमेंटेड ये शेड है। आई मीन दिस इज नॉट वेरी ब्लिंगी, बट एट द सेम टाइम इट इज गिविंग यू द राइट कलर एंड राइट पिगमेंट, वेरी ब्यूटिफुल। सो गाइज, आई मेकअप इज कम्प्लीटेड। अब मैं अपनी लैशेज को कर्ल कर रही हूँ वेगा के आई लैश कर्लर से एंड मैं मस्कारे के लिए यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का कोलोसल मस्कारा। आई टेल यू अ सीक्रेट, आई एक्चुअली डोंट लाइक अप्लाइंग मस्कारा बिकॉज इसे रिमूव करना बहुत ही डिफिकल्ट है, एक टास्क है, बट आई लव द वे इट मेक्स माई लैशेज, लैशेज को स्ट्रेंथ देता है, वॉल्यूम देता है। दैट्स दी ओनली थिंग आई लव अबाउट इट। नाउ आई एम टेकिंग द सेम हाईलाइटिंग शेड, इसे मैं फेस के हाई पॉइंट्स पर लगा रही हूँ, चीक बोन्स, नोज एंड क्यूपिड बो पे, यूजुअल हाईलाइटिंग प्लेसेस पे। आई लव दिस हाईलाइटर, ये डे मेकअप के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट शेड है। इट इज़ बिल्डेबल, चौकी नहीं है एंड द शेड इज ब्यूटिफुल, इट इज प्रोवाइडिंग अ नेचुरल काइंड ऑफ ग्लो टू द स्किन। नेक्स्ट मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर, इसे मैं अपने फेस के मेकअप को सेट करूंगी। एंड वाइल आई एम एडिटिंग दिस वीडियो आई एम एंजॉइंग गाजर का हलवा। सर्दियों में गाजर का हलवा मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत ही पसंद है। आप भी मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या पसंद है सर्दियों में एज अ स्वीट डिश, आप क्या खाना पसंद करते हैं। फॉर लिपस्टिक मैंने लिया है ये मेबलिन का लिक्विड इंक लिपस्टिक एंड दिस इज इन द शेड ग्लो ट्रॉटर। आई गेस मैं आपको शेड का नेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल, वेरी गॉर्जियस ब्राउन शेड एंड दीज लिपस्टिक्स आर लाइक आप इनको लगाओ एंड लगा के भूल जाओ, और ये
लिप रहती है, हटती नहीं है. एंड यू नीड अ वेरी वेरी गुड मेकअप रिमूवर इनको हटाने के लिए. इट इज सच अ गुड शेड एंड आपकी लिप्स पे ऑन रहती हैं. सो गाइज, दिस इज इट एंड दिस इज द फाइनल लुक. आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है. आप कमेंट करके मुझे जरूर बताया कि आप और कौन कौन सी वीडियो या मेकअप लुक देखना चाहते हैं. एंड आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा हैंडल है अर्चना_आत्रे. तो मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में. बाय गाइज, टेक केयर.